सैयद आबद अली शाह बात कर रहा हूँ दरार से। दफा 370 टूटने के बाद जब से यूटी बनी है उसके बाद जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि हम मान लो हमारा कॉलेज है दरहाल का, उसके बाद सेसील है या रोड से या पानी का कोई मसला था, ये सब जो भी डेवलपमेंट हुई है ये सिर्फ मलिक इकबाल साहब के आने की वजह से हुई है। इन डेवलपमेंट का कारण या ये बनना या कॉलेज बनना या कोई और चीज बनना या हमारे इलाके की डेवलपमेंट होने का कारण सिर्फ हमारे लिए मलिक इकबाल साहब ने जो किया वही किया उन्होंने। एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने किसी भी जात पात को ना देखते हुए भी हमारे इलाके की डेवलपमेंट किया और सबको एक साथ लेके चले, ये इसमें कोई जात पात का कोई मसला नहीं है और ये एक हमारे ऐसे कामयाब नेता है। हमें मिलके हम सब लोगों को जात पात को पीछे रख के हमें 25 तारीख को अपना कीमती वोट डाल के इनको कामयाब करना है।